अवार्ड फंक्शंस के मौसम के साथ साथ आजकल जहाँ देखो प्यार का मौसम भी छाया हुआ है ना, लगता है ये सर्दी का मौसम जो है ना सबको बहुत ही रोमांटिक बना देता है। अब जैसे सीरियल मनमोहिनी में ही देख लो, प्यार के इस मौसम में कैसे रोमांटिक हो गए हैं अनन्या और शिव भी। शिव अनन्या का हॉट रोमांस। तय हुई केतकी शिव की शादी, प्यार अनन्या से, शादी केतकी से। अनन्या हुई उदास तो पूरी हुई मोहिनी की मुराद। चलिए सबसे पहले बात शिव और अनन्या के रोमांस की ही कर लेते हैं, जहां छत पर चल रहा है शिव और अनन्या का रोमांस। दरअसल शिव जब नहाने जाता है तो अनन्या उसका टॉवल छिपा देती है और अपनी साड़ी टॉवल की जगह रख देती है, जिसके बाद मजबूरी में शिव को साड़ी पहनकर ही बाहर आना पड़ता है। और बाहर आकर शिव का पैर लड़खड़ा जाता है और वो सीधा अनन्या के साथ इस खाट पर गिर पड़ते हैं। और इसी दौरान दोनों के बीच देखते हैं रोमांटिक लम्हे। एक तरफ दिखा शिव अनन्या का रोमांस तो दूसरी तरफ शिव ने केतकी से शादी के लिए हाँ बोल दी है। और इसी खुशी में चल रहा है घर में नाच गाना, जहाँ माता रानी के आगे घर वालों ने केतकी से पूजा करवाई। और मोहिनी ने केतकी की बलाइयां भी उतारी। इस पूजा के बीच केतकी का भाई भी ढोल बजाने वालों को लेकर खुशियों में डबल तड़का लगाने आ गया और फिर शुरू हो गया घर में जमकर नाच गाना। एक तरफ घर में केतकी और शिव की शादी तय होने की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अनन्या दिल टूटने से काफी उदास हैं और उनकी आंखों में गम के आंसू साफ साफ नजर आ रहे हैं। शॉकिंग, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट रेंचिंग सीन है अनन्या के लिए, क्योंकि शिव ने ऐसा कह दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। और कहीं ना कहीं तो मुझे यकीन नहीं है उसकी बात पर, बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि यार मैंने तो देखा है हमेशा, और मैं तो महादेव को बहुत मानती हूँ। हाँ, मैं तो पूरी तरह से लगता है कि शिव हमसे प्यार करता है, पर केतु से क्यों शादी कर रहा है, तो हमारा दिल दुखा है। एक तरफ अनन्या दुखी है तो दूसरी तरफ मोहिनी इस शादी से काफी खुश है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शिव और अनन्या की शादी हो, और इसीलिए वो नकली हमदर्दी का नाटक करने के लिए अनन्या के पास जा पहुंची। मोहिनी, आपकी ये नकली हमदर्दी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि हम जानते हैं अनन्या इतनी आसानी से शिव को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगी। मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी शिव को उसका प्यार के एहसास दिलाने के लिए, जब तक वो खुद मुझे यकीन नहीं दिला देता कि वो प्यार नहीं करता। पर अब तो तेरा। वैसे अनन्या, शिव तो आपसे ही प्यार करता है और हमें पूरा यकीन है कि आपकी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी और आखिर में शिव के साथ आपका ही शुभ विवाह होगा। आज तक ब्यूरो।